जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहां माँ बाप का सम्मान हो वहीं भव पार होता है, जहां संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं सच्चा परिवार होता है। याद रखिए, आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। कथक नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वो 83 वर्ष के थे। हार्ट अटैक के बाद रविवार देर रात उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। पंडित बिरजू महाराज का असली नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज के पोते स्वराज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उनके देहांत की जानकारी दी। पंडित बिरजू महाराज अगले महीने 84 साल के होने वाले थे। पंडित बिरजू महाराज की कलात्मक शख्सियत ऐसी रही जो तर्क से परे मानी जाती है। वे गुरु, नर्तक, कोरियोग्राफर, गायक और कंपोजर भी थे। वो ताल वाद्य बजाते थे, कविता लिखते थे और चित्रकारी भी करते थे। उनके शिष्य जाने माने कलाकार हैं और दुनिया भर में फैले हुए हैं। 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी डांस कोरियोग्राफर की हैं, जिसमें उमराव जान, डीडी इश्कियां, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में शामिल हैं। पद्म विभूषण के अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। वहीं 2012 में विश्वरूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके निधन से कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कथक सम्राट नर्तक पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 वर्षीय बिरजू महाराज ने रविवार की रात दिल्ली में अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज कथक के पर्याय थे और लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के सदस्य थे। बिरजू महाराज का पूरा नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्र। इनका जन्म 4 फरवरी 1937 को लखनऊ के जाने माने कथक नर्तक परिवार में हुआ था। बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ अच्छे शास्त्रीय गायक भी थे। इनके पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी कथक की दुनिया का बड़ा नाम थे। बिरजू महाराज ने देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ करने के साथ साथ सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में संगीत भी दिया था। पंडित बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिले थे। साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पीएम ने कहा कि बिरजू महाराज का जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जी हाँ, पंडित बिरजू महाराज जैसे महान कला साधक को संसद टीवी की ओर से और हेलो इंडिया की तमाम टीम की ओर से शत-शत श्रद्धांजलि। और अब बात सेना दिवस की। 74वें सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी को राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर खादी से बने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। ये तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है और इसका वजन 1400 किलोग्राम है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए देखते हैं ये भाव को प्रदर्शित करने वाले दृश्य। हर बरस 15 जनवरी का दिन भारत में सेना दिवस यानी आर्मी डे के तौर पर मनाया जाता है। सेना दिवस के मौके पर शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्रदर्शित किया गया है। ये तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है और इसका वजन 1400 किलोग्राम है। ये तिरंगा लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया, जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध का मुख्य केंद्र था। 1400 किलोग्राम के इस झंडे को तैयार करने में खादी के 70 कारीगरों को 49 दिन लगे थे। ये ध्वज
33,750 वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है। ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए खादी से बनाया गया ये पांचवा ध्वज है। इससे पहले 2 अक्टूबर 2021 को लेह में पहले तिरंगे का अनावरण किया गया था। दूसरा तिरंगा 8 अक्टूबर 2021 को वायुसेना दिवस के अवसर पर हिंडन एयरबेस पर दर्शाया गया था। इसके बाद तीसरा तिरंगा 21 अक्टूबर 2021 को लाल किले पर और चौथा तिरंगा 4 दिसंबर 2021 को नौसेना दिवस पर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास नौसेना डॉकयार्ड में फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी शान हमारी पहचान। हेलो इंडिया में हम आप सबके स्वस्थ रहने की न केवल कामना करते हैं, साथ ही विशेषज्ञों के जरिए हम आपके साथ सही जानकारी भी साझा करते हैं। देश आज कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है और संकेत है कि तीसरी लहर समय के साथ ढल रही है। सही जानकारी हासिल करने के लिए बात करते हैं डॉक्टर एकता गुप्ता से, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी ILBS से। डॉक्टर एकता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो ये जानकारी मैं दे रहा था अपने दर्शकों को, क्या ये सही है? क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि आर वैल्यू वो थोड़ी सी कम हुई है और उसी के आधार पर ये आकलन है कि शायद तीसरी लहर अपने ढलान पर है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और हमारा पूरा एक साल हो चुका है जो हमने इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव करी, तो ये भी सबको बधाई है जी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा हम भी देख रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है। तो थर्ड वेव की जो शुरुआत दिसंबर एंड में शुरू हुई और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हमने सबने देखा बहुत ही तेजी से डबलिंग रेट बढ़ गया था, वो थोड़ा सा स्थिर हुआ है, जिसको मैं समझूंगी अभी ज्यादा डिक्लाइन होना बाकी है जी। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमने फर्स्ट टू वेव्स का सामना किया है, अब इस थर्ड वेव को भी हम जल्दी से जल्दी अपने इंडिया से निकाल पाएंगे। R value माना जाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने व्यक्ति को संक्रमित करता है, वो R value मानी जाती है। पहले माना जा रहा था कि ये R value 4-5 के करीब पहुंच गई थी, अब ये 2.2 है देश भर में और राजधानी दिल्ली में 2.5 है। तो ये R value घटने की क्या वजह हो सकती है? क्या हम लोग एहतियाती कदम उठा रहे हैं या वैक्सीनेशन इसका एक आधार हो सकती है, उसकी एक वजह हो सकती है? क्या वजह है ये R value घटने की? देखिए, हाँ आपने ठीक कहा, R value मतलब एक आदमी कितनों को इन्फेक्ट कर सकता है जी। इसकी दोनों ही वजह हो सकती हैं। एक तो हम लोगों में अवेयरनेस और IEC एक्टिविटी पहली दो वेव से बहुत ज्यादा है, लोगों की समझ इस वायरस के बारे में जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बहुत ज्यादा हो चुके, तो एकदम सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ आइसोलेशन स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं, हर जना कर रहा है। जैसे घर में भी अगर कोई यदि इन्फेक्ट होता है तो उसको अच्छे से मालूम है कि मुझे आइसोलेट कर लेना है, जिससे मेरे से ये आगे किसी पे ना जाए। मास्क वेयरिंग और फर्स्ट यही लक्षण से लोगों को समझ आने लग गया है कि मुझे शक है कि मुझे कोविड हो गया है, तो पहले से ज्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं, इस वजह से भी इन्फेक्शन रेट नीचे जा रहा है। और दूसरा जो एंटीबॉडी वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर एंटीबॉडी की लेवल बढ़ गया है। हमने दिल्ली में ही सीरो सर्वे करे हैं हम लोगों ने, हमारे लैब ने 5th और 6th सीरो सर्वे January 2021 और फिर हमने September-October 2021 में किया। 60% से 90% तक का हमने सीरो पॉजिटिविटी देखा, इसका मतलब है कि जो एंटीबॉडी लेवल लोगों में है वो भी 30% बढ़ गया है अक्टूबर नवंबर में आते आते। तो जब आपके अंदर अच्छा एंटीबॉडी लेवल होता है तो अपने आप ही आप इन्फेक्शन एक्वायर नहीं करते हो, माइल्ड इन्फेक्शन रहता है या आराम से उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो दोनों ही तरीके हैं, पहला जागरूकता बढ़ना, सावधानी बरतना, लोगों को इमिजिएटली समझ आना कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरे को कोविड हो गया और मैं दूसरों से डिस्टेंस, तो घबराहट कम है और अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करने और अपने आप को आइसोलेट करने के तरीकों में भी लोगों की जागरूकता बढ़ चुकी है। एंड तीसरा तो आप जो कह ही रहे हैं कि हमने ये डेटा भी कह रहा है और स्टैटिस्टिक्स भी कह रही है कि हमारा
एंटीबॉडी लेवल प्रेवलेंस जो है वो इस पॉपुलेशन में बढ़ गया है, जी जिसको कि आप अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव भी कहें। दो डोज अगर आप देखें तो करीब 60% एडल्ट्स में लग चुकी हैं, प्लस हम लोगों में अप्रैल मई में इतनी बड़ी वेव आई थी तो उसके एक्सपोजर से भी एंटीबॉडी प्रेवलेंस और एंटीबॉडी लेवल लोगों का बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये आर वैल्यू जो है घट रही जी। है। और डॉक्टर, ये रिपोर्ट कह रही है कि जिन लोगों को तीसरी लहर में संक्रमण हुआ है उसमें से 73% से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई, एक बात। दूसरी, जो बाकी के बचे हुए 23% हैं उनमें से केवल एक डोज लगवाई गई है, एक ही इंजेक्शन लगवाया गया है, वैक्सीन लगवाई गई है, तो वो संक्रमित है। तो इसका मतलब है कि रक्षा कवच के रूप में हमारी वैक्सीन सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंकड़े हमारे भी हैं, स्टडीज भी लैब में करी गई है, बाहर के भी विदेशों के भी जो आंकड़े आए हैं कि वैक्सीन का रक्षा कवच बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से बचाव हो रहा है। जिन्होंने अपनी पूरी दो डोज लगवा चुके हैं वैक्सीन की, उनकी क्षमता इस डिजीज से इसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने की बहुत ज्यादा है, एज कम्पेयर टू जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है या सिर्फ एक डोज लगाई जो पार्शली वैक्सीनेटेड है। जी जी, और अब आपने बूस्टर भी भी जो हम जानकारी दी है डॉक्टर्स डॉक्टर और जो अन्य रिपोर्ट्स भी आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि इस बार तीसरी लहर में ज़्यादातर लोग जो संक्रमित हुए हैं वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं, लेकिन क्या ये तथ्य सही है कि ओमिक्रॉन पर सबसे कारगर काम अगर कहीं हुआ है तो वो भारत में हुआ है? भारत का असेसमेंट इस मामले में और देशों से बेहतर है? हाँ, मतलब सभी काबिले तारीफ है। मैं साउथ अफ्रीका की भी उन डॉक्टर्स की प्रशंसा करूंगी कि 24 नवंबर और नवंबर में उनको जब शक हुआ तो उन्होंने कितनी जल्दी ग्लोबल अलर्ट सिस्टम एंड वार्निंग शुरू करी। भारत में हमारा वायरोलॉजिकल सर्विलेंस बहुत ही एक्टिव है, जो इंसा कॉग है, एक इंडियन कंसोर्शियम है सीक्वेंसिंग का, हमारा लैब भी उसका पार्ट है, वो बहुत सक्रिय है। और इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से हर सिटी से उनके पास डेटा और सबने डेटा शेयर किया कि ओमिक्रॉन कैसे कैसे हमारा बड़ा, कैसे ट्रैवलर्स कौन कौन सी कंट्री से आए, कहाँ से ये आए, और फिर कौन कौन सी सिटी में ये आंकड़े जो हैं वो कम्युनिटी के जैसे स्प्रेड होने लग गए। और अब हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जितना अब इन्फेक्शन हो रहा है वो 90 से 95% ओमिक्रॉन से ही हो रहा है। और इस सक्रियता से ये हुआ कि जिस स्पीड से ये बढ़ सकता था, जैसा कि हमने और कंट्रीज में देखा, उतनी तेजी से शायद ये केसेस नहीं बढ़े, इनका कंट्रोल हो गया, लोगों में जागरूकता भी आ गई, टेस्टिंग भी साथ साथ बहुत ज्यादा मैच होती रही, लोग करते रहे टेस्टिंग, और वेरिएंट ट्रेसिंग तो एक कंटिन्यूअस है, वो चलता ही जा रहा है कि क्या ये ओमिक्रॉन है और ये ओमिक्रॉन अपना रूप बदलेगा या नहीं, या कोई और नया वेरिएंट तो नहीं आएगा। तो इस मामले में भारत ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सक्रिय पूर्ण तरीके से इस बार तो ओमिक्रॉन और इस थर्ड वेव का सामना किया है, जो कि बिल्कुल आप कह रहे हैं काबिले तारीफ जी। डॉक्टर, एक तो हमने देखा दूसरी लहर के दौरान ऑर्गन्स पर ज़्यादा अटैक किया था संक्रमण ने, इस बार ऐसी जो हैं शिकायतें कम आ रही हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह है वायरस का वेरिएंट। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जो अब दिसंबर के बाद से, मतलब सेकेंड वीक ऑफ, मतलब 25 दिसंबर थे, हमने भी ये स्टडी करी है दिल्ली में कि कम्युनिटी प्रेवलेंस दिल्ली में 23 दिसंबर से ही हमें देखने को मिल गया था। तो 23 दिसंबर के बाद से ये ओमिक्रॉन प्रीडोमिनेंट वेरिएंट बन गया है, और अब जनवरी में तो कम से कम 95% केसेस जो हैं ओमिक्रॉन के हैं। जो सेकेंड वेव हमारे कंट्री में हुई थी वो डेल्टा वेरियंट से हुई थी, और लैब स्टडीज और बाकी सब स्टडीज का डेटा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है इस वायरस का, वो लंग्स को इन ज्यादा जल्दी और इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो आपके ऊपर के गले के जुखाम, खांसी, नाक बंद करना, इसमें करता है। लंग इन्फेक्टिविटी और टिश्यू इन्वॉल्वमेंट इसमें इतना ज्यादा लैब स्टडीज और जो स्टडीज
उसके हिसाब से नहीं देखा गया है। और अगर आप केस स्टडीज भी करें, अभी जिस तरीके की इन्फेक्शन हो रही है, तो हमें जुखाम, खांसी, सरदर्द या बुखार, ये ज्यादा सिम्टम्स मिल रहे हैं। जैसे कि सेकेंड वेव के अंदर 1 या 2 दिन में हल्का बुखार था, मगर खांसी बहुत ज्यादा थी और एकदम ऑक्सीजन का ड्रॉप होना बहुत ही बड़ा फीचर हमें दिखा था। जी तो जी ये जो है, ये वेरिएंट जो बदल गया है और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से ये चेंज हमें दिखाई दिया है। जी चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए अभी भी? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि ये वायरस जो है, ये समय अनुसार चेंज होता रहता है, तो हमें सावधानी से चूक नहीं करना है। कोई भी वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा हो, ओमिक्रॉन हो, आपके मास्क और जो है उसको पियर्स नहीं कर सकता। तो मास्क पहन के रहना, मास्क किंग करना एक बहुत बड़ा हथियार है जो हम लोगों के हर के पास है, हमें पहन के रखना है। एहतियात के रूप में कि सिवियर डिजीज ना हो, इन्फेक्शन ना हो, वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है, 2 डोज लगवाना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को अब बूस्टर के लिए बोला गया है, वो बूस्टर भी लगाएं, क्योंकि आपका एंटीबॉडी लेवल आपकी बॉडी में है, तो वो बहुत अच्छा हथियार है जिससे कि वायरस से आपकी इन्फेक्शन रुक सकती है। मगर अभी हमें अपने आप को समझना नहीं है कि माइल्ड वेरियंट आ गया, हल्का जुकाम खांसी है, हो सकता है कि ये चेंज हो जाए। तो हमें अपने हथियार जो हमारे पास है, मास्क पहनना और वैक्सीनेशन लगवाना, इनको बिल्कुल यूज करना है और इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जी धन्यवाद। डॉक्टर एकता, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, जैसे डॉक्टर कह रही थी कि मास्क लगाना छोड़ना नहीं है, डिस्टेंस लगातार मेंटेन करना है, और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, पहली डोज भी नहीं ली है, दूसरी भी नहीं ली है, तो पहली और दूसरी डिस्टेंस के बाद ज़रूर लें और अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करें। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में आयोजित जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पोंगल के दौरान हर साल दक्षिण भारत के कई गांवों में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आंध्र प्रदेश में आयोजित जल्लीकट्टू प्रतियोगिता की कुछ झलकियों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। संविधान हूँ, सभी भारतीय मेरे लिए समान हैं, और क्यों ना हो, मेरी प्रस्तावना ही हम भारत के लोग से शुरू होती है। मुझे तराशने में पुरुषों महिलाओं का बराबर योगदान है। आपकी जानकारी के लिए 398 सदस्यों वाली सभा में 15 महिलाएं भी निर्वाचित हुई थीं। इन्हीं कुछ प्रगतिशील और बुलंद आवाजों में एक थी राजकुमारी अमृत कौर। यूं तो आजाद भारत के सामने कई चुनौतियां थी, मसलन नागरिकों से जुड़े स्वास्थ्य की। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कई बड़े सुधारों से राजकुमारी अमृत कौर का नाम जुड़ा है। अमृत कौर संविधान सभा की सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों की उप समिति की सदस्य थी। सभा में ये सेंट्रल प्रोविंस और बेरार की प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थी। राजकुमारी अमृत कौर आजाद भारत की पहली कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर भी बनी।
लगातार 10 सालों तक इस पद पर बनी रहीं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट भी बनी, देश के सबसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में से एक एम्स की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने न्यूजीलैंड, जर्मनी और अमेरिका तक से फंडिंग का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, शिमला में अपना पैतृक मकान भी उन्होंने एम्स को दान कर दिया। इंसान ही नहीं, संविधान सभा में उन्होंने निरीह पशुओं के जीवन के मौलिक अधिकारों की आवाज भी बुलंद की। गायों के जीवन की रक्षा को लेकर तो उन्होंने यहां तक कहा कि इस मसले को नीति निदेशक तत्वों के बजाय मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। ऐसी ही थी संवेदना और करुणा से भरी राजकुमारी अमृत कौर। अगली बार आपसे बात करेंगे एक और ऐसे ही संविधान निर्माता की। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक के बाद बात करते हैं आज के इतिहास की और जानते हैं 18 जनवरी क्यों है इतिहास की तारीख में खास। 18 जनवरी वर्ष 1842 में महादेव गोविंद रानाडे का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। रानाडे ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक और समाज सुधारक रहे। महादेव गोविंद रानाडे न केवल एक प्रसिद्ध वकील, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राष्ट्र प्रेमी, राजनीतिज्ञ थे, बल्कि बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। रानाडे उस समिति में भी सेवारत रहे जिसे शाही और प्रांतीय व्यय का लेखा जोखा रखने और आर्थिक कटौतियों का अनुमोदन करने का कार्यभार मिला था। उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से नवाजा। 18 जनवरी वर्ष 1896 में पहली बार एक्सरे मशीन दुनिया के सामने आई। इस मशीन को चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी आविष्कार माना गया। एक्सरे की खोज ब्रिटेन के वैज्ञानिक विलहम रॉडजन ने की, जिन्होंने सबसे पहले 1895 में क्रुक्स ट्यूबों से निकलने वाले एक्सरे की खोज की और इसके कई महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में बताया। इसके बाद वर्ष 1896 में आज ही के दिन एचएल स्मिथ द्वारा औपचारिक रूप से एक्सरे मशीन को दुनिया के सामने लाया गया। इसमें एक्स किरणों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस विकिरण की मदद से शरीर के भीतर हड्डियों की स्पष्ट तस्वीर ली जाती है। आज के इतिहास के बारे में जानने के बाद अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज सुबह 9:30 बजे देखिए स्पेशल रिपोर्ट कोरिया वॉर मेमोरियल के बारे में। 10 बजे अभिव्यक्ति, दोपहर 3 बजे कोरोना अपडेट, शाम 5 बजे कोरोना संवाद और शाम 7 बजे मुद्दा आपका। शाम को 7:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट भारत कोरिया दिलों के तार की बात करेंगे। रात 8 बजे आज की खबर और रात 8:30 बजे हेल्थ इंडिया। रात 9:30 बजे पर्सपेक्टिव और रात 10 बजे देखिए बिल्स एंड इंसान। और अब आज के कलाकार की बात और आपको दिखाते हैं पंडित बिरजू महाराज के कथक नृत्य की कुछ झलकियां और इन झलकियों के साथ हम पंडित बिरजू महाराज को संसद टीवी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मुझे और हेलो इंडिया की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए ये झलक और संसद टीवी। लपक झपक छेड़ करत लपक झपक छेड़ करत बरबस मोरी चुनरी पकड़ बहिया गए लाज लेत करते ठिठाई करते ठिठाई
एरी सखी चतुराई कान्हा की चतुराई।